बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो हमने जो हम चैप्टर शुरू किया हुआ है केमिस्ट्री का, आज हमारा टॉपिक नेक्स्ट में है वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस हैं। ये पहले भी काफी सारे गुजर चुके, वही टॉपिक इन्होंने यहाँ रिपीट करके लिख दिया हुआ है, जस्ट थोड़ा सा एग्जाम्पल डाल के। तो ये सारी कोई बातें जस्ट की यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। बाकी मैं सब चीजें तुम लोगों को सारा समझा चुका हूँ। यहां पर एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं किताब से उठा के, कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहां पर आप लोगों के वाटर की और जिंक क्लोराइड की एग्जांपल दी है। तो यहां पर मैं सारा साबित करूंगा कि इसकी ऑक्सीडेशन में किसकी रिएक्शन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा ये, बल्कि पीछे भी ये बातें सभी हो चुकी है इसी लेक्चर में। इस तरीके से HCl जब रिएक्शन नहीं करता, इसका टोटल चार्ज कितना होता है, ये पीछे मुझसे सारी बातें आ गई। जैसे हम इसका रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो जिंक हमारे पास मेटल है और इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ये बहुत कम होती है, क्योंकि मैंने बताया कि जितनी मेटल्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। लिहाजा इसकी वजह से दो इलेक्ट्रॉन और अपने दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, जिंक और आयन के अंदर ये बदल जाएगा। अब दूसरी तरफ हमारे पास है HCl, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ने आपस में रिएक्ट किया हुआ है, हमारे पास HCl बना हुआ है, ठीक है। अब यहां पर जो आपकी क्लोरीन है ना, इसके पास ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करती है, हाइड्रोजन की क्लोरीन भी करती है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इस पर क्या होती है, ज्यादा होती है। लिहाजा रिएक्शन जिंक की तरफ क्या होगी, ज्यादा होगा, इसकी मोर डिफ्रैक्शन होती है देन इसके हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या करेगा कि जिंक जो दो इलेक्ट्रॉन, अब यहां पर क्लोरीन के पीछे एटम है, पीछे एग्जांपल है दो एटम है, ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर देगा। जब दो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का मतलब क्या है कि अपने आप से जोड़ लेगा जिंक के साथ। जब ये जिंक के साथ जुड़ेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ZnCl2, और इसमें से हाइड्रोजन गैस भी रिमूव हो जाएगी। अब यहां पर देखो जिंक की हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है, तो जिंक के इलेक्ट्रॉन निकाले ना, तो जिंक हमारे पास है यहां पर, इसकी ऑक्सीडेशन किसमें होगी, जिंक क्लोराइड में, और यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया इसमें क्लोरीन, और क्लोरीन जो है वो रिड्यूस हो गया रिडक्शन की, लिहाजा इसकी जब रिडक्शन है तो हमारे पास इसके रिडक्शन हो गया, हमारे पास क्या निकल गया हाइड्रोजन, तो यहां पर HCl की रिडक्शन हुई, और रिडक्शन के लिए नीचे में क्या बना, हाइड्रोजन गैस से रिड्यूस। अब मैं बताया था कि जो ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करे, शो करे, इंडिकेट करे, वो हमारे पास क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, और HCl ने रिडक्शन को शो किया है, लिहाजा ये हमारे पास जो रिडक्शन को शो करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये कुछ बातें हैं हमारे पास इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। द सेल्स इन विच रिडॉक्स रिएक्शन take place
कैलकुलेशन कर सकते हो। जब मैंने चैप्टर आगाज किया था उसको मैंने तुम लोगों को स्पॉन्टेनियस पर और नॉन स्पॉन्टेनियस पर बात की थी और साथ में बताया था कि हमारे पास सेल जो है वो दो टाइप्स के हैं, सेल टाइप्स। वो मैंने एक तुम लोगों को बताया था इलेक्ट्रिक सेल और दूसरा मैंने बताया था गैल्वेनिक सेल, ठीक है। ये बातें सारी मैंने शुरू के अंदर की हुई थी, तो यहां पर बस यही वाली मैंने गुफ्तगू करी। आगे हमारे पास जो है वो कंसेप्ट आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट का, ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सबको समझ आ गया मेरी बात की? कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। Compound from which electricity pass. हर वो चीज या कंपाउंड जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है, द कंपाउंड विच अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम देम आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। हर वो चीज वो कंपाउंड जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देते हैं, वो तमाम के तमाम कंपाउंड हमारे पास क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। याद करो मैंने तुम लोगों को एक बात कही थी कि जो आप लोग न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, सपोज कर लो मेरे पास NaCl है, जब तक ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा ये हमारे पास इंसुलेटर होगा या नॉन कंडक्टर। क्या होगा? ये नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सॉलिड फॉर्म के अंदर इसके पास कोई फ्रीली आयंस नहीं होते। फ्रीली आयंस का मतलब ये है कि जब आयंस बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली जो है उसमें से निकलते जाते आते जाते हैं, तो जिसकी वजह से वापस से जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते रहते हैं। लेकिन सॉलिड फॉर्म के अंदर इतनी मजबूत अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो आसान से घूम पाते नहीं है। तो लिहाजा सॉलिड फॉर्म के अंदर न्यूट्रल कंपाउंड जो होते हैं उसमें से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। लेकिन अगर तुम सोडियम क्लोराइड को मॉडर्न फॉर्म में लेकर आओ, इसे पिघला लो या फिर इसका एक्वस फ्यूजन तैयार कर लो, तो उस सूरत में फ्रीली आयंस होने की वजह से, तो फ्रीली आयंस जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो इन दोनों सूरतों के अंदर ये जो न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं बजाहर वो मतलब ये कंडक्टर्स नहीं है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में कंडक्टर नहीं है, लेकिन उसके जो मॉडर्न फॉर्म या एक तो एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में लेकर आओगे तो फौरन हमारे पास क्या बन जाएंगे? कंडक्टर बन जाएंगे। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इसे आगे दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। कितनी टाइप्स है? टू टाइप्स है। एक हमारे पास कहलाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इनर्जी कर सकते हैं,
क्या है? तीनों अंदाज से डेफिनेशन कर सकते हो, ठीक है? वो कंपाउंड या वो इलेक्ट्रोलाइट जो बहुत ज्यादा आयनाइजेशन को शो करते हैं। अब आयनाइजेशन होता क्या है? प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ कंपाउंड into its components, ठीक है? वो प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी कंपाउंड अपने कंपोनेंट के अंदर चेंज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन बोलते हैं। अब आयनाइजेशन हमारे पास कितनी टाइप्स है, लेकिन आमतौर पर हम दो आयनाइजेशन ज्यादा देखते हैं। एक हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना? एक होती है इलेक्ट्रोलाइसिस और दूसरी हमारे पास होती है हाइड्रोलाइसिस। द आयनाइजेशन अकर बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर तुम किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी गुजार कर उसके कंपोनेंट में बदल दो, तो वो आयनाइजेशन आपकी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। अगर वाटर की बात होती है, द आयनाइजेशन अकर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एक्वा और वाटर, तो आयनाइजेशन आपकी क्या कहलाती है? हाइड्रोलाइसिस कहलाती है। तो मैं बात कर रहा था कि दो इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा आयनाइज हो या कंप्लीटली आयनाइज होकर आयंस प्रोड्यूस करे, तो वो इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एसिड की सूरत में भी हो सकता है, बेस की सूरत में भी हो सकता है, और साल्ट की सूरत में भी हो सकता है। अब ये बात ध्यान रखना कि हमारे पास अगर एसिड है ना, एसिड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमेशा जो साल्ट होता है ना, साल्ट जो होते हैं वो बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस से बनते हैं। बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं? साल्ट बनते हैं। तो अगर तुम्हारा एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस के साथ, इसने अभी बताया तुम्हें कि जो आप लोगों के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें एसिड्स भी आते हैं, उसमें बेसिस भी आते हैं और उसमें साल्ट आते हैं। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो उसके नतीजे में जो हमारे पास साल्ट बनेगा वो भी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो लिहाजा जो आप लोगों के स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं या स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग साल्ट है, तो आप लोग क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, ठीक है? आप क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं आप लोगों का HCl एंड NaOH, ये दोनों एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अलग अलग एलिमेंट। जब रिएक्शन होगा हमारे पास NaCl बनेगा और H2O बनेगा, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? ये स्ट्रॉन्ग साल्ट हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से जो साल्ट बनेगी वो भी क्या होगी? आप लोगों की स्ट्रॉन्ग ही इलेक्ट्रोलाइट्स होगी। तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि जितने तुम्हारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर सिंथेटिक कंपाउंड्स?
जो रिबॉक्ट में तैयार हो गई है वो सब के सब आपके क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गए। समझ आ गई बात। उसके बाद हमारे पास आएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो सारे सारे ऐसे फॉर्म हो जाएगा जो मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग के अंदर लिखी है वो वीक के अंदर थोड़ी चेंज करेगी। जहां पर मैंने मोर लिखा है वहां पर लेस आ जाएगा, ठीक है। जहां पर मैंने कंप्लीट लिखा है वहां पर इनकम्प्लीट आ जाएगा, बस यही पर है वीक इलेक्ट्रोलाइट। The electrolyte produce less ions, जो कम आयंस पैदा करते हैं। जितना तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यहां पर इसको नॉन पोलर भी कह सकते हो, तकरीबन जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि नेचुरल आर्टिफिशियल भी बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो जो नेचुरल तरीके से मिलते हैं, जैसे आप उनका फॉर्मिक एसिड है जो आर्ट्स के अंदर बायोलॉजी शुरू में, एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये डिस्टिलेशन ऑफ लेमन से हासिल होता है। इसके अलावा आप उनका ऑक्सैलिक एसिड है चाहे वो एसिड है चाहे वो बेस है, जैसे आप उनका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सबके सब आपके वीक एसिड और वीक बेस है। और इन वीक एसिड और वीक बेस के रिएक्शनशिप में साथ में हासिल होंगे वो भी क्या होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। तो ये देखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या नॉन पोलर होते हैं, तकरीबन सबके सब आपके क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और चाहे बेस भी आपके ऑर्गेनिक हो, ठीक है ना, तो वो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। तो वीक बेस और वीक एसिड्स दोनों के रिएक्शन से जो साल्ट हासिल होंगे वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। और वीक साल्ट में वापस क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। नया अलग से कुछ समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नॉन इलेक्ट्रोलाइट का सिंपल सी डेफिनेशन है, जो आयनाइज बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल भी आयंस पैदा ना करे। द सब्सटेंसेस विच डू नॉट आयनाइज इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर डू नॉट अलाउड टू पास करंट टू पास थ्रू देयर सॉल्यूशंस। सब्सटेंसेस जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बिल्कुल भी आयनाइज ना हो, ना ही अपने सॉल्यूशन को अपने अंदर से पास होने दे। जैसे आप लोगे आयन कंपाउंड अगर सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर है तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही होगी, ठीक है। अब देखो सोडियम क्लोराइड है, जब ये एक्वस में वाटर फॉर्म में तो इलेक्ट्रोलाइट बनेगा। स्ट्रॉन्ग का या वीक इलेक्ट्रोलाइट का हमेशा कंसंट्रेशन तो होता है, ये भी बाजी में अपने बिठा लो, कंसंट्रेशन तो होता है। तो सोडियम क्लोराइड जब सॉलिड फॉर्म में होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। जब एक्वस के वाटर फॉर्म आएंगे तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट बनेगा। तो पास होने नहीं देते, दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, बेंजीन आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रोलाइट के हवाले से। तो नेक्स्ट जो आप लोगों का रह गया है तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में वो कम बयान करूँगा, ठीक है। अल्लाह ताला सबका हामियों नासिर हो।